अस्तीफे की मांग की जा रही है कि भगवंत मान अस्तीफा जो है वो दे क्योंकि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रही है क्योंकि जिस प्रकार से सिद्ध मिलते वाले किस्तल मानसा के अंदर हरियाणा माता हत्या कर दी गई तो कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस का आज जो कि पूरे देश में पता लग चुका है कि काम जो अपनी आम आदमी पार्टी की करनी और कतनी का फर्क आज पंजाब में हर एक आम आदमी को दिख रहा है। जब से सरकार ने अपना ठेका बनाया उधर से सरकार बनाने का नाना करते 100 लोग इन्होंने मार दिए हैं, मरवा दिए हैं। और सिद्धू मूसेवाले की जो किलिंग हुई है ये एक पॉलिटिकल किलिंग है, ये कोई आम किलिंग नहीं है। NIA रॉ सबकी इंक्वायरी थी कि सिद्धू मूसेवाले को एम्बुश हो सकता है, उसमें अटैक किया जा सकता है। और ये निकम्मे नेता भगवंत मान इनके जो नटंकी वाले नेता जिसको सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए लोगों को हंसाना आता है, आज जिन जिन घर के चिराग आपने बुझाए हैं ये सारा बीड़ा उसके सिर पर पड़ता है भगवंत मान के। जम्मू कश्मीर में आके पार्टियां बनाते हैं, देश अपना बचा नहीं सकते, स्टेट अपनी बचा नहीं सकते। इस पर CBI NIA रॉ सबकी खबर थी कि सिद्धू मूसेवाले के तहत हो सकता है। अगर आप संरक्षण देने के लिए कामयाब नहीं थे तो सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ की? और ये आपको रिजल्ट दिख चुका है, सिक्योरिटी विड्रॉ होने के बीच में 24 घंटों के बीच में सिद्धू मूसेवाले को। हमारी मांग ये है कि पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, NIA CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की इनपुट रिपोर्ट थी कि सिद्धू मूसेवाले पे एम्बुश हो सकता है, उसको मारा जा सकता है। आज पूरे देश में जो यूथ इसको फॉलो करता था, वाइस कांग्रेस पार्टी का यूथ नहीं फॉलो करता था, पूरे देश का यूथ छोटे से लेकर बड़े तक सब उसको फॉलो करते थे, उसके गाने देखते थे। उस बंदे ने अपना सब कुछ छोड़ के फौरन से अगर पंजाब आया तो पंजाब को बढ़ाने का काम किया था उसने, पैसा बहुत कमा लिया था उसने। पर भगवंत मान ने ये पॉलिटिकल क्लीन कराई है, इसकी पूरी पूरी जांच होनी चाहिए, तब तक युवा कांग्रेस सड़कों पे आई। पॉलिटिकल किलिंग है, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे माइक नहीं करने से मेरा रिपोर्ट थी कि सिद्धू मूसेवाला पे हमला हो सकता है, एम्बुश लग सकता है, ये जानते हुए भी भगवंत मान ने इसकी सिक्योरिटी विड्रॉल कर दी। दूसरा, भगवंत मान के पास खुद 850 PSO है, इनके केजरीवाल के पास पंजाब पुलिस के 90 PSO हैं, राघव चड्ढा के पास 45 PSO हैं, और दूसरी तरफ इसके पास 10 PSO थे और वो निकालकर 2 कर दिए गए। और उसके बाद सबसे गलत और घटिया बात, ट्वीट करके भगवंत मान सबको बोलता है कि हमने इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है, सबको मैसेज दे दिया, और यही मैसेज उसके कातिलों तक भी पहुंच गया होगा सोशल मीडिया के थ्रू। रिजल्ट, कल उसकी मौत हो गई, भारत के रतन की मौत हो गई, भारत के बेटे की मौत हो गई। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी भगवंत मान को, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को, जब तक इस्तीफा नहीं देते ये प्रोटेस्ट चलते रहे। Yeah!
इसमें ये हम आम आदमी सरकार और भगवंत मान सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, जिनकी वजह से एक नौजवान ने जो 28 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी है, एक थ्रेट परसेप्शन ऑलरेडी था, उसने स्पेशली बोला था पंजाब सरकार को कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी हटाने का क्या मतलब है, और सिक्योरिटी हटा के आपने उसको पब्लिक डोमेन पे डाल दिया जो कि बहुत गलत बात है। कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी और हम चाहते हैं कि NIA और CBI इसकी निष्पक्ष जांच करें।